बंगाल में गए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए और एक दो हम लोगों ने सम्मेलन भी किया था। और हम लोग चाहते थे कि चूंकि मेरा पड़ोसी राज्य है और उनकी बहुत सीमाएं बिहार से मिला हुआ है, किशनगंज का जो एरिया है, धनबाद का है, दलकोला का है, ये सारी जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है बिहार से मिला हुआ है। और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, हम लोग भी जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे लोग बंगाल में हैं, खास करके जो टी स्टेट है। टी स्टेट में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो वहाँ का टी स्टेट है, उस टी स्टेट में जो काम करने वाले हैं वो मूलतः बिहार के, मूलतः बिहार के, और पीढ़ी दर पीढ़ी के रहते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा वहाँ लोग है और उन लोगों को हमारे कृष्णा से बात हुई है जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने दिया है कि भाई इन लोगों से बात करनी है आपको। और बात करने के बाद जो संगठन का जो उन्होंने बताया कि 42 जिला है बंगाल में, तो 42 जिला में तो तुरंत संगठन नहीं बन पाएगा, लेकिन जिला इन्होंने कहा कि 20 जिला हम चिन्हित कर किए हैं और वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़े। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 तारीख के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम वहाँ लड़ेंगे। और जो आपका प्रश्न था अभी कि हम लोग गठबंधन करेंगे कि नहीं, वहाँ जदयू और क्या कहते हैं झारखंड, ये भाजपा भी लड़ रहा है, तो हम एनडीए में हैं। हमारी ये कोशिश होगी पहले उनसे बात कर लेने की कि भाई हम लोग भी लड़ेंगे इसका, पहले तो दस्तक देना होगा ना, बिना दस्तक दिए तो नहीं समझेगा। तो पहले हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन के बाद हम लोग वहाँ भी बात करेंगे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल की, और उनसे अगर गठबंधन हो जाती है तो हम लोग गठबंधन में भी लड़ेंगे, नहीं तो फिर अकेले। कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतनरामा जी ने पश्चिम बंगाल स्टेट यूनिट के अध्यक्ष पद पर श्री कृष्णा सिंह जी को मनोनीत किया गया है। आज श्री कृष्णा सिंह जी काफ़ी एक्टिव और जुझारू और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, पिछले 20-25-30 वर्षों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक संगठनों से काफ़ी जुड़ाव के कारण उनकी काफ़ी लोकप्रियता है, जिसके कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने का काम किया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव से निकट है, इसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस अध्यक्ष को मनोनीत किया है उनको बात की भी जिम्मेदारी दी है, किन दलों से हम गठबंधन कर सकते हैं या अकेले लड़ सकते हैं तो कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं, इन सब बातों को देखने के लिए अध्यक्ष पद मनोनीत किया गया है। और अगले 1 महीना के बाद पश्चिम बंगाल में एक बैठक होगी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सब लोग, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश जी और जो पदाधिकारी राष्ट्रीय हैं प्रधान महासचिव, तो सब लोग मिलकर वहाँ पर चलेंगे। अच्छा चल करके क्योंकि बिहार की अच्छी भागीदारी पश्चिम बंगाल में है, तो सब बातों पर ध्यान देकर के हम लोग किन सीटों पर लड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ लड़ सकते हैं, वहाँ बैठ करके इस सब बात पर हम निर्णय करेंगे।